हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल फर्जी राइडर में एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम जो बात करेंगे वो है कि ये रॉयल एनफील्ड का रेट्रो जो बाइक इफेक्ट रेट्रो फैक्ट्री, आज इसका हम पांच ऐसे रीजंस आपको बताएंगे जो कि इसको परचेज करना चाहिए, फाइव रीजंस टू बाय। तो ऐसे पांच क्या रीजन है जो कि आप लोग को ये बाइक लेनी चाहिए, तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वो पांच रीजन रखा है जो आप लोग को बताऊंगा। अगर आप लोग को वो अगर लगता है कि वो जेन्युइन अगर सही है तो उस हिसाब से आप लोग इस बाइक को परचेज कर सकते हैं। वो पांच मैंने आज आपको इसका प्लस पॉइंट बताऊंगा कि क्या खासियत है इसमें। तो पहला अगर हम इस बाइक की अगर बात करें वो बाइक की लुक, तो आप पहले इस बाइक का लुक देख लो बढ़िया से। तो जैसे कि देख पा रहे हो ना, ये बाइक आपको बहुत ही माने एक नॉर्मल जो रॉयल एनफील्ड जैसा बाइक बनाता है हैवी लुक जैसे वजन देखने में जैसा, ये बाइक आपको ऐसा फील नहीं होगा। बड़ा ही कॉम्पैक्ट बाइक इसने निकाला है कंपनी ने, तो बहुत ही लाइट वेट भी है। इसका वेट नॉर्मली रॉयल एनफील्ड जैसा बाइक जैसा नहीं है, इसका वेट 177 है। तो लुक में ये बाइक बहुत ही बेहतरीन। पहला अगर मैं रीजन बोलूंगा तो वो है इसका लुक, क्योंकि बड़ा कॉम्पैक्ट बाइक है, दिखने में बड़ा सुंदर लगता है इसका लुक जो। अब दूसरे अगर हम बात करें तो दूसरा अगर जो अगर मेरे को बड़ा अच्छा लगता है वो है क्योंकि वो है आपका सीट हाइट। इसका जो सीट हाइट है वो है जो इसका सीट हाइट है वो है 790 mm। 790 mm इसमें अच्छा बात क्या है ना, जो शॉर्ट राइडर है, जो कम हाइट के भी लोग है, वो आराम से इसको इजिली राइड कर सकते हैं, उनको मजा आएगा ये बाइक चलाने में, वेट भी उतना फील होगा नहीं। एक नॉर्मल मैं बात करूँ, मेरा भी हाइट कम है क्योंकि मेरा 5'4" है, तो मैं एसडी रोस्टर चलाता हूँ मेरा पास है, तो वो चीज बड़ा बाइक चलाने में मेरे को कितना हैवी फील और कितना थोड़ा सा बहुत डिफिकल्टी होती है, बट ये बाइक जब से चलाया ना बड़ा ही कॉम्पैक्ट फील होती है, बड़ा इजी लगता है। तो मेरा हाइट के जितने भी लोग वो भी इजीली चला सकते हैं। तो दूसरा बात करेंगे इसका सीट हाइट जो हो गया। अब तीसरा अगर हम इसकी अगर बात कर लें तो तीसरा जो इसमें हमको खासियत वो अगर जो लगी है ना, ये बाइक की इंजन रिफाइन, मतलब इतनी स्मूथ है ये बाइक, नॉर्मली आप चलाओगे ना आपको उतना वाइब्रेशन फील नहीं होगा। मैंने ये बाइक राइड किया है, मेरे को जहां तक फील हुआ है वाइब्रेशन उतना होता नहीं है, तो ये खास मेरे को लगा है जो कि मैं इसका तीसरा पॉइंट कहूंगा जो कि मेरे को अच्छा लगा है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसकी अगर चौथी जो अगर रीजन की मैं बात करूं वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा हुआ है इसका एग्जॉस्ट। जैसे कि देख पा रहे हो इसका एग्जॉस्ट साउंड में बड़ा ही खूबसूरत है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा इसका एग्जॉस्ट साउंड जो है ना, मेरे को बड़ा अच्छा बेसी टाइप में थोड़ा अच्छा ही है ना। तो मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है, तो आप लगाओ, मैं दिखाता हूँ आप लोग को, सुनाता हूँ मैं इसका एग्जॉस्ट, आप लोग सुन के देखो कैसा है। आप लोगों ने सुना, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है, अब आप लोगों को कैसा लगेगा नहीं पता वो, मगर सीरियसली अगर बोलूं तो आवाज इसका अच्छा है, थोड़ा बेसी टाइप में थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है। तो मोबाइल पे जस्टिफाई नहीं होती कोई भी आवाज कोई भी बाइक की, तो आप उसको शोरूम पे जाकर सुनो तब आप लोगों को पता चलेगा। मैं इसकी बात करूंगा पांचवा, इसमें कुछ नहीं है, पांचवा है जो मैं बताऊंगा वो है इसका प्राइस, क्योंकि जिस प्राइस में ये बाइक दे रही है कंपनी उस प्राइस में अगर देखा जाए तो सब खासियत तो ठीक है, खराब कुछ नहीं है। पांचवा रीजन मैं रखूंगा जो इसका प्राइस है, आप प्राइस देख सकते हो, एक शोरूम प्राइस आपको डिस्प्ले में शो हो रहा होगा, तो उस हिसाब से ये बाइक बहुत ही अच्छी है। आप ऑन रोड का अगर बात करें तो मेरे यहाँ पे ऑन रोड आई थिंक 190 समथिंग कुछ चला जाता, आपके वहाँ पे कैसा क्या रजिस्ट्रेशन लगता है उस हिसाब से ऑन रोड जाएगा। तो ये था टोटल जो मैंने अभी पांच रीजन आपको बताए इस बाइक के। तो इस वीडियो के बाद मैं आप लोग को और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा इसमें क्या पांच रीजन है जो ये बाइक मैंने किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। तो फिलहाल अभी जो पांच बाइक मैंने पांच रीजन बताए इस बाइक की, अगर आप लोगों को वो अच्छी लगी होगा तो आप लोग इस बाइक को जाके नजदीकी शोरूम में जाके देखें, परचेज करें। तो दोस्तों तो यही वीडियो तो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे चैनल फर्जी राइडर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जरूर, दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी ऐसा बाइक परचेज करना चाहते हैं। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में, अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग बातों के साथ, नए बाइक के कुछ डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।